16th sloka. Very good. Pati sutanvaya pratru bandhavan. Pati sutanvaya pratru bandhavan. Ati vilangyate antyasutanvaya. Gati dharastamo dita mohita kita vayo poshita kastya jenishi. Next. 17. Rahasi samvidam rechayodayam rahasi taranam Hare Krishna premesharam brihadura shriyo vishyamate Next 18 Vijana hantalam Vishwamangalam Yajamanantalas Tvat Prihatmana Swajanadirujana Yannishodhanam. Again. Rajaj Rajavanaukasha Vyaktirangate Vrijanahandralam Vishwamangalam Tyajamanachana Tvaspruhatmana Next shloka. Next shloka with this, Gopika Gita is finished. But we have to learn another 4 shlokas also. Because we have to... This is a little different. Yatte sujata charanamburuham saneshu. Yatte sujata charanamstaneshu vitashanehi priyadadimahi karkaseshu vitashanehi priyadadimahi karkaseshu tenatavi matasitat yatatena kim svet tenatavi matasitat कूर्पादिभिः भ्रमति दीर्भवदायुषां नः यत्ते सुजातच्चरणाम्बुरुहं स्तनेषु Very good. Vita shanehi priya dadimahi karkaseshu. Vita shanehi priya dadimahi karkaseshu. Tenatavi matasitad vyatatena kim svet.
कूर्पादिभिर् भ्रमति धीर्भवदायुषां नः यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद् व्यततेन किं स्वेत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः We'll sing together. I think time will be over. You sing with me. Yatte sujata charanamuruham staneshu vitasani priyadadamahi karkasheshu Very good. Tenatavim adipatasit yatatena kemswe Time is over, huh? See? Over? No, Mataji, there is some time. Now, again we'll sing. Yatte sujata Yatte sujata Charanam buruham staneshu Beautiful. Vita shalehi Priyadadamahi Kalkacheshu Very good. Today Devika is missing. What about the other girl? I'm not seeing her. I don't think both of them are here today. Oh, okay. Thank you. Tomorrow we'll meet. हम सभी को बताना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम यूट्यूब में लाइव प्रसारित किया जा रहा है आप सभी से निवेदन है कि आप यूट्यूब में NBSDDY चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सदा नित्य भागवत सेवा के संबंध में रहे आप वहां पर सारे कार्यक्रम दोबारा दोहरा दोहरा कर सुन भी सकते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और बहुत बहुत धन्यवाद अग्रेस परिपूर्ण राधा माता जी का आज एक बहुत ही विशेष दिवस है कृष्ण प्रिया माता जी आप जानते क्या है Can you guess? Okay, मैं बताता हूँ आज हर ग्रेस परिपूर्ण राधा माता जी का पावन जन्म दिवस है ये चालू रहने दो जय आज माता जी 80 ईयर्स की हो गई हैं और हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर करेंगे चलिए तो थोड़ा इसका पीछे का बात थैंक यू ऑल स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा पार्श्वती कृष्ण बलराम गौर निताय के लिए और श्रीला प्रभुपाद और सभी भक्तों के लिए कि माता जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे माता जी हमेशा ऐसी चीयरफुल मूड में रहे और माता जी का आशीर्वाद पूरी दामोदर देश यात्रा पे बना रहे माता जी आपसे दंडवत प्रणाम और आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है और बहुत बधाई है पूरे परिवार के लिए और पूरे दामोदर देश परिवार के लिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय हरि बोल थैंक यू ऑल थैंक यू सो आप सबका स्वागत है नित्यम भागवत सेविया के इस प्रवचन संघ में जो अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी द्वारा स्थापित इस्कॉन के दामोदर देश भक्तों के द्वारा आयोजित है और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच आज देवकी नंदन प्रभु उपस्थित है देवकी नंदन प्रभु के बारे में कुछ शब्द कहेंगे तो शायद पूरी क्लास निकल सकती है बट अपने शुद्धिकरण के लिए मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगा और प्रभु जी का जन्म जो है 5 जनवरी 1961
61 में हुआ, प्रभु जी बीएससी की डिग्री प्राप्त की हुई है प्रभु जी ने, और प्रभु जी मात्र 17 साल की आयु में 1976 में वृंदावन इस्कॉन से शामिल हुए, और 78 से प्रभु जी इस्कॉन जुहू में विभिन्न पदों पर सेवा कर चुके हैं, जैसे नए भक्तों का निर्देशन, मंदिर कमांडर, प्रबंधक, महाप्रबंधक, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, और मुंबई और वृंदावन मंदिरों के अध्यक्ष के रूप में भी प्रभु जी सेवा कर चुके हैं। प्रभु जी इस्कॉन सोसाइटी के ब्यूरो मेंबर ट्रस्टी में से एक हैं, और वे इस्कॉन के ग्लोबल जीबीसी मिनिस्टर हैं फॉर फंड रेजिंग, राइट, फंड डेवलपमेंट। प्रभु जी इस्कॉन जुहू में श्री श्री राधा राज बिहारी समिति के एडवाइजरी कमेटी, इस्कॉन जुहू में एक्चुअली एडवाइजरी कमेटी प्रभु जी ने स्थापित की थी पहली बार इस्कॉन में, और आज सारे मंदिरों में ये जो एडवाइजरी कमेटी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो प्रभु जी का दिया गया है, और हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट में निर्माण में प्रभु जी का बहुत ही प्रमुख जुहू मंदिर में योगदान रहा है। प्रभु जी जोनल सेक्रेटरी हैं वर्तमान में राजस्थान, बिहार, झारखंड, साउथ गुजरात, सेंट्रल ओडिशा, वृंदावन, मायापुर, मुंबई और जमुनापुरी। बोलने के लिए तब मैं शुरू करूंगा। प्रभु जी मैं और समय लगे, आई थिंक प्रभु जी उस पे बैठे हैं, व्यास आश्रम में बैठे हैं, तो प्रभु जी वो हम सब याद कर सकते हैं आस्था टीवी कलर्स चैनल पे भगवद गीता के प्रवचनों के लिए। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बोलूंगा पूरी तो पूरा क्लास यही निकल जाएगा, तो हम बहुत जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चयन करके प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। तो जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। श्री वल्लभ प्रभु देयर, श्री वल्लभ प्रभु, हंस गोकुल प्रभु, धनु प्रणाम प्रभु जी। मैं चेक कर रहा हूँ प्रभु जी, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है मेरा आवाज? बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी, मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है? बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी, क्लियर। श्री वल्लभ प्रभु हैं उधर? प्रभु जी अभी तो थे, वो हरगृह परिपूर्णा राधा माता जी थी, उनकी मदर जो है, तो प्रभु जी भी थे ही, आई थिंक आ रहे हैं फिर से। कोई बात नहीं, तो मैं एक पंथ दो कार्य कर रहा हूँ, एक क्लास आप लोगों को भी सुना रहा हूँ, और हमारे कानपुर के भक्त लोग हैं, कैमरा थोड़ा उधर कर दो ताकि वो लोग देख लें, तो ये हमारे कानपुर के भक्त लोग हैं, कानपुर मंदिर है, जो नहीं आना आया है दुबई वाले सब आ जाओ। हरी बोल। तो ये कानपुर मंदिर का परिक्रमा मार्ग में है, ये हम लोग परिक्रमा मार्ग में क्लास करते हैं, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है कि छोट सब दुबई वाले आएंगे तो अभी कम पड़ेगा। अब थोड़ा मंदिर दिखा दो उधर, सब लोगों को दिखा दो मंदिर तरफ। मैं कल बॉम्बे से कानपुर आया, ये टेम्पल हॉल है, अभी अल्टर बंद है। ऑलराइट, अब हम लोग क्लास के ऊपर विचार करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दशम स्कंध अध्याय 30 और श्लोक 1 और 2 पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय का नाम है गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। तो अध्याय 1 और 2 हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग दोहरा सके तो दोहराएं। श्री शुक उवाच,
अंतरहिते भगवती सैव ब्रजांगनः अतप्यंतम अक्षाणा करणीय इव द्युत्पतम सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठी, जिस तरह हथिनियों का समूह अपने नर के बिछुड़ जाने पर खिन्न हो उठता है। इसमें तात्पर्य नहीं है तो आगे का श्लोक लेंगे। दो गत्या अनुराग स्मिता विभ्रम इच्छितई मनारमा आलाप विहार विभ्रमई आच्छित्त चित्ता प्रमदः रमापते तातः विचेष्टा जुग्रुहो तद आत्मिका गत्यानुरागस्मितः विभ्रमेच्छितै मनोर अलापा विहार विभ्रमै आचिप्त चित्ता प्रमदरमापते ताता विचेष्टा जिगृहु तदात्मिका गत्यानुरागस्मिता विभ्रमिच्छिते मनोरमालाप विहार विभ्रमै आचिप्त चित्ता प्रमदारमापते ताता विचेष्टा जुगृहु तदात्मिका गत्यानुरागस्मिता विभ्रमेच्छितै मनोरमा अलाप विहार विभ्रमै आचिप्त चित्ता प्रमदारमापते ताता विचेष्टा जुगृहो तदात्मिका गत्या उनके हिलने डुलने से चले जाने से अनुराग स्नेहमय स्मित मंद हसी विभ्रम किरणापूर्ण इच्छित तथा चितवनों से मनहरमा मोहक आलाप उनकी बातचीत से विहार क्रीड़ा विभ्रमयी तथा अन्य आकर्षण से आक्षिप्त अभिभूत चित्ता हृदयों वाली प्रमदा बालिकाएं रमापते रमा के पति या सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के स्वामी या राधापति ता उनमें से हर एक विचेष्टा अद्भुत कार्यकलाप जुगृहु अनुसरण करने लगी तथा आत्मिका उनमें लीन होकर के। अनुवाद और तात्पर्य।
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेममयी मुस्कान, उनकी कौतिक पूर्ण चितवन तथा मोहक होने वाली बातों तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं का अनुसरण करने लगी। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुए मनोहर वार्ता का वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, हे कुमुदिनी, क्या तुम इस प्यासे भौरे को अपना मधु दोगी या नहीं? गोपी ने उत्तर दिया, हे भौरे, कुमुदिनी का पति तो सूर्य है, भौरा नहीं, अतएव तुम मेरे मधु को अपना क्यों कह रहे हो? कृष्ण, किंतु हे कुमुदिनी, तुम कुमुदिनियों का यह स्वभाव है कि तुम अपना मधु अपने पति सूर्य को न देकर अपने जार पति भौरे को देती हो। कृष्ण के इन वचनों से गोपी हार कर हंसने लगी और तब उसने अपना अधरामृत पान करा दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित वार्तालाप का वर्णन भी किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, अरे मैं जान गया कि नीम वृक्ष के सम्मुख आते ही तुम्हें गर्भीले सांप ने डस लिया है, उसका विष तुम्हारे वक्षस्थल तक पहुंच चुका है, किंतु तुम भद्र बाला हो इसलिए तुमने मुझसे विष उतारने के लिए नहीं कहा, फिर भी स्वभाव से दयालु होने के कारण मैं आ गया। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का मालिश करते हुए मंत्र पढ़ूंगा जिससे कि सर्प विष उतर जाए। गोपी ने कहा, किंतु हे सपेरे, मुझे किसी सर्प ने नहीं डसा है, जाकर किसी और लड़की का शरीर मलो जिससे सचमुन में सांप ने डसा हो। कृष्ण, हे भद्रबाला, आओ, तुम्हारे कांपते शरीर से मैं बतला सकता हूं कि विष चढ़ने के कारण तुम्हें ताप सा चढ़ा हुआ है। यह जान लेने पर भी यदि मैं तुम्हारी रक्षा न करूं तो मैं एक निर्दोष स्त्री के वध का भागी होऊंगा, अतः मुझे उपचार करने दो। यह कर कृष्ण ने गोपी के वक्षस्थल पर अपने नाखून लगा दिए। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवक्षिण। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो आप लोग अनम्यूट इसको स्क्रीन शेयर को हटा सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। इसमें कहाँ है सब लोगों को देखने का? I can only see myself and few people. Can't see everybody. प्रभु जी, वो हमने फोकस स्पॉटलाइट आप पे किया है, मे बी इसलिए आपको सब देख नहीं रहे, बट हम सब देख पा रहे हैं आपको। वहां पर आ रहा है अभी। ओके, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? क्लियर जी? प्रभु जी बिल्कुल क्लियर है। ऑलराइट, हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने
29वां अध्याय सुना अब 31वां अध्याय का कथा प्रारंभ हो रहा है। तो 30वां अध्याय का समरी इसके पहले बताया जा चुका है। 29वां अध्याय में भगवान रास के लिए प्रजंगनाओं को बुलाए जमुना जी के पुलिंद पर और वहां पर भगवान रास किए और जब गोपियों में अहंकार हुआ तो भगवान उनको छोड़ करके चले गए, अंतरहित हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंतरहित, मैं इसका व्याख्या बाद में करूंगा। अब यह अध्याय है, इस अध्याय के विषय में थोड़ा समझना चाहिए। श्री स्वामी कहते हैं तिनसे विरह संतप्त गोपी भी कृष्ण मार्गणम उन्मत्त वनम नियतम भ्रमन भ्रमंती भी बने बने। ये 30वां अध्याय है, इसमें जो गोपियां हैं कृष्ण के विरह में संतप्त गोपी भी, ये गोपियां संतप्त हैं। यहां पर शब्द आया हुआ है गोपी भी, गो मतलब इंद्रिया और गोपी मतलब जो अपने इंद्रियों से पान करे और भी मतलब बहुवचन। तो एक गोपी नहीं है अनेक हैं और एक इंद्रिया नहीं है अनेक इंद्रिया हैं। तो समस्त इंद्रियों से जो पान कर रही थी, किसको पान कर रही थी? कृष्ण, कृष्ण का पान कर रही थी। अब कृष्ण अंतरहित हो गए हैं तो उनका सब इंद्रियां दुखी हो गया है। संतप्त गोपी भी, समस्त इंद्रियां संतप्त हो गया है कृष्ण के लिए, कृष्ण के विरह में। अब कृष्ण को ढूंढ रही है। मार्गणम का मतलब होता है मार्ग, मतलब चलना होता है, मार्ग मतलब रास्ता भी होता है और मार्ग मतलब ढूंढना भी होता है। तो मार्गणम मतलब ढूंढ रही है। अब ये ढूंढ रही है, किस प्रकार से ढूंढ रही है? श्रीधर स्वामी कहते हैं उन्मत्तवत, पागल के समान। किसी व्यक्ति का कोई वस्तु भूल जाता है और वह अति आवश्यक वस्तु है तो कैसे व्यक्ति पागल हो जाता है? जो मिलता है उससे पूछता है कि आपने देखा है, जिनसे नहीं पूछना चाहिए उनसे भी पूछता है, अपने दुश्मनों से भी पूछता है, वृक्ष लता पताओं से भी पूछता है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम दिखाए हैं कि जो आसक्त व्यक्ति होता है और आसक्ति का जिसमें उसकी आसक्ति होती है वह कहीं खो जाए तो कैसे वह उन्मत्त होकर के खोजता है। भगवान राम वृक्षों से पूछ रहे थे, हे खागा हे मृगा, हे खागा हे मृगा, कैसे है मधुकर श्रेणी तुम देखो सीता मृग नैनी। तो भगवान राम पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मधुओं भ्रमरों से पूछ रहे हैं, जो क्या उत्तर दे सकते हैं। लेकिन ये उन्मत्त स्थिति का यही लक्षण है, यही पहचान है। क्या हो गया? यहां खत्म हो गया? तो वहां खत्म नहीं होना चाहिए। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना? जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर है। ओके।
आप लोग सुनते रहना जरूर। तो उन्मत्त व्यक्ति का यही लक्षण है। तो यहां पर गोपियां उन्मत्त हैं, उन्मत्तवत पागल के समान, नियतम भ्रमंती अभी बने बने वन वन में जाकर के कृष्ण को ढूंढ रही हैं। कैसे ढूंढ रही है इसका वर्णन पूरे अध्याय में किया गया है। नंदे वंदे नंद प्रजानाम पादरेणु अभिक्षणस यासाम हरि कथोदगति गीतम पुनाति भुवनम त्रयम्। ये जो ब्रज नारियां हैं ये कोई ऑर्डिनरी स्त्रियां नहीं है। करें वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, मैं नंद बाबा का जो ब्रज है वहां के निवास करने वाली समस्त स्त्रियों के को मैं प्रणाम करता हूं। कहा पाद रेणु, और मेरी यही कामना है पाद रेणु अभिक्षण स, मैं उनके चरण धूलि का निरंतर पर चरण धूलि का मैं पूजा करूं, उनको मैं प्राप्त करूं। निरंतर मेरी यही कामना है कि चरण धूलि प्राप्त हो सके। अभी 5 दिन तक जगन्नाथ कथा हो रही थी तलासरी में, तो वहां पर मैं वर्णन कर रहा था 3 धामों का और उनका महत्व क्या है। 3 धामों में जगन्नाथपुरी में महत्व क्या है, किस चीज का महत्व है, उसके बाद नवदीप में किस चीज का महत्व है और वृंदावन में किस चीज का महत्व है। तो बताया गया है कि जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद का महत्व है, खाने पीने का आनंद बाजार है महाप्रसाद का, और नवदीप में हरिनाम का महत्व है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और वृंदावन में ब्रज धूलि का महत्व है, ब्रज रज का महत्व है। तो वही बात यहां पर कहते हैं पाद रेणु अभिक्षण स, मेरी कामना है कि वह ब्रज धूलि, किनका ब्रज धूलि, नंद ब्रज स्त्रीणाम, ये कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढ रही है, पूरे ब्रज में ढूंढ रही है, इनका चरण कमल पड़ा हुआ है उस ब्रज में। और जो साधक है जिसे भक्ति करनी है उसको ये ब्रज धूलि या भक्तों के चरणों का धूल प्राप्त करना चाहिए। चेतन चरितामृत वर्णन किया गया है भक्त पद धूलि जार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। भक्ति में 3 शक्तिशाली पोटेंट वस्तुएं हैं, भक्त पद धूलि यानी भक्तों के चरणों का धूल ब्रज रज, और भक्त पद जल भक्तों का चरण धोयन, और भक्त भुक्त अवशेष भक्त खाए हैं जो अवशेष बना बचा हुआ है महा 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 प्रसाद हुआ 3 महाबल, ये 3 शक्तिशाली है। कृपा श्री स्वामी कहते हैं वंदे नंद ब्रजानाम, पहले तो नंद बाबा के ब्रज, इसका व्याख्या अच्छी तरह से किया, नंद ब्रज अलग कर दो, नंद ब्रज स्त्रीणाम 1 शब्द है लेकिन अलग करते हैं तो नंद ब्रज, और भी अलग करो तो नंद ब्रज स्त्रीणाम, तीनों को प्रणाम करते हैं। मैं नंद बाबा को प्रणाम करता हूं, नंद बाबा को प्रणाम करता हूं, जैसे रघुपति उपाध्याय कहते हैं श्रुति श्रुति तरे स्मृति में परे भारत भजंती भव भीता
अहम इहम नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्मा। कोई श्रुति को भजता है, कोई स्मृति को भजता है, कोई महाभारत को भजता है, लेकिन मैं तो नंद बाबा का भजन करता हूं। मैं नंद बाबा को प्रणाम करता हूं जिनके कोर्टयार्ड में, यस्यालिंग परम ब्रह्मा, जिसके कोर्टयार्ड में परब्रह्म भगवान खेले थे। चेतन महाप्रभु से रघुपति उपाध्याय ये बात कह रहे थे कि मैं नंद बाबा को प्रणाम करता हूं। श्री स्वामी वैसे ही कहते हैं, वंदे नंद, मैं नंद बाबा को प्रणाम करता हूं। ब्रज, मैं ब्रज भूमि को प्रणाम करता हूं, या नंद ब्रज, क्योंकि नंद के, ब्रज के जो मुखिया हैं नंद बाबा हैं, तो नंद ब्रज। और नंद ब्रज स्त्री नाम, नंद बाबा के ब्रज में जितनी स्त्रियां हैं यानी गोपियां जो हैं, उनका, उनको मैं वंदना करता हूं। पाद रेणु, उनके चरण कमलों का जो धूल है उसका मैं वंदना करता हूं, यानी ब्रज रज का वंदना करता हूं। और कैसे? अभिक्षण सह, निरंतर मैं वंदना करता हूं, सुबह नहीं शाम नहीं, 24 hours a day। और प्रणाम करना एक भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, वंदना करना एक भक्ति है नवदा भक्ति में। तो वृंदावन में और कोई कुछ न करे, केवल दिन भर बैठ करके नहीं, वंदना करना तो प्रणाम करना पड़ता है ना, तो कोई कृतांजलि करे, हाँ जोड़ करके प्रणाम करे, या नतांग हो करके, नतांग मतलब नत अंग झुक करके प्रणाम करे, या कोई साष्टांग करे, चाहे कोई अष्टांग करे, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं, तो प्रणाम करना भक्ति है। कोई बात नहीं, अभिक्षण सह, निरंतर मैं प्रणाम कर रहा हूं। यासाम हरि कथोद गीतम, जिस नंद बाबा के, ब्रजंगनाओं के, ब्रज भूमि के, ब्रज धूलि का कोई गीत गाता हो, यासाम हरि कथोद गीतम, जिसका संबंध किनसे है? श्याम सुंदर कृष्ण से है। जो इनको गाता है वह गीत कैसा है? कहते पुनाति भुवनम त्रयम्, ये तीनों लोक को पवित्र करने वाला यह गीत है। ब्रज का महिमा कैसा है? तीनों लोक को पवित्र करने वाला है। तो अब ये रास पंचाध्यायी में अब गीत प्रारंभ होगा। जो तीसरा अध्याय है, तीसवां अध्याय से एक गीत प्रारंभ होगा। उसके बाद आगे जो हम लोग इसके 31वां अध्याय का, हम जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सरत इंद्रया सस्य दत्रहिं, ये सब गीत जो है ये गोपियों के द्वारा गाया गया है। ये गीत ऑर्डिनरी गीत नहीं है। पुनाति भुवनम त्रयम्, भगवान ये तीनों लोक को ये पवित्र करने वाला एक गीत है। तो यह है, प्रारंभ हो रहा है 31वां अध्याय है। उन्मत हो करके ये गोपियां वनवन में भटक करके भगवान के विभिन्न लीलाओं को कर रही हैं और गा रही हैं। अब चलते हैं, प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। श्रीपाद जी को स्वामी कहते हैं कि भगवान क्यों गोपियों को छोड़े? भगवान गोपियों को बुलाए थे मध्य रात्रि में, भगवान कहे थे और अपना कथन को पूरा किए, तो भगवान छोड़े क्यों? भगवान गोपियों को क्यों छोड़े?
जब रास हो रहा था, भगवान जब बुलाए और गोपियों को टेस्ट कर लिए कि हाँ सही में ये लोग मेरे लिए ही आई हुई हैं, जिस प्रकार से कुम्हार होता है और जब बर्तन बनाता है तो टेस्ट करता है, जब खन 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 करता है तो समझता है कि गड़बड़ाई, छोड़ दो, पक्का होता है उसी को साइड करता है। तो भगवान विभिन्न प्रकार का प्रश्न कर करके गोपियों से उन लोगों को टेस्ट किए और उसके बाद रास प्रारंभ हुआ। तो 29 अध्याय के श्लोक 45 और 46 में इसका वर्णन किया गया है। भगवान रास के लिए इन गोपियों को जमुना जी के किनारे बुलाए। प्रायः ऐसा जो काम होता है, स्त्री पुरुष का मिलन होता है, घर के अंदर होता है, भगवान ओपन में बुलाए, जमुना के किनारे बुलाए, कुछ भी छिपाने के लिए, सब लोग देख लो, जिसको देखना है, जिसके पास आंख है वो देख लो। अब घर के अंदर छिपा रहे कौन देख सकता है। भगवान जगत को जनाना चाहते थे कि रास जो है, जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, रास का मतलब होता है बंधन, रस्सी, रस्सी का काम है बांधना, तो रास का काम है बांधना, जीव का, जीव को कृष्ण से बांधने के क्रिया को रास कहा जाता है, या भक्त को भगवान से बांधने की क्रिया को रास कहा जाता है। जब भगवान रास कर रहे थे इस प्रकार से, जिसका वर्णन पूर्ववर्ती श्लोकों में किया गया है, कुछ गोपियों को लज्जा हो रहा था, भगवान को आलिंगन किए और कैसे कैसे किए ये सब बात पूर्ववर्ती। श्री कृष्ण गोपियों समेत जमुना के किनारे गए जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी के तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहां कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया। उन्होंने लावणमयी ब्रजबालाओं के हाथ, बाल, जांघे, नाभि एवं अस्तन छू छू कर था खेल खेल में अपने नाखूनों से चिकोटते हुए उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लाओं का आनंद लूटा। एक तरह से लड़ाई थी कामदेव और कृष्ण में, और कामदेव परास्त हुए हैं। और जब ये लीला हो रही थी तो ब्रह्मा जी भी आ गए, सब देवता लोग आए भगवान की लीला को देखने के लिए। ये देवता लोग अवलोकन किए हैं भगवान के समस्त लीलाओं को, चाहे भगवान का जन्म हुआ, चाहे भगवान मां के गर्भ में आए थे उस समय भी। देवताओं भागवतम में सुखदेव गोस्वामी गर्भस्तुति, देवताओं का गर्भस्तुति, उन लोगों के पास फ्री पास था भगवान का दर्शन करने का, वो लोग देख सकते, भगवान गर्भ में थे वो भी देख सकते थे। यही मनुष्य में और देवताओं में अंतर है। हम लोग जो आंख के सामने हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, लेकिन कौन मन में क्या सोच रहा है ये देख सकते हैं? ये देख लेंगे तो देवता बन जाएंगे है? देवता लोग देख सकते हैं कि मन में क्या हो रहा है, और भगवान जो हैं वो दिल में क्या चल रहा है उसको समझ लेते हैं। बाहर तो दिखाई पड़ता है मन में क्या दिखाई पड़ता है, लेकिन दिल में क्या दिखाई पड़ता है, भगवान अपना वास्ता दिल से रखते हैं। भगवान का काम दिल से है, दिल वाले दिल से मिलते हैं, राइट रामचरण जी, दिल वाले दिल से मिलते हैं। भगवान दिल वाले हैं, दिल में भगवान निवास करते हैं। अहम आत्मा गुड़ाकेश हृदयसु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते भैया मेरा घर द्वार तो तुम्हारा दिल है ना, मैं तुम्हारे दिल में निवास करता हूं। तो भगवान का भक्ति मन से नहीं करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। कहते हैं मन लगा कर करो, दिल का भी एक नाम है मन। तो भगवान की भक्ति दिल से करनी चाहिए, हृदय दे दे भगवान को अर्पित कर दे। प्राण है कृष्ण, प्राण प्रिय है कृष्ण। तो देवता लोगों को यह था कि वो देख सकते थे,
अब वैसे ही जब नंद बाबा यज्ञ कर रहे थे और भगवान कृष्ण मना कर दिए कि यज्ञ मत कीजिए, गिरिराज का पूजा किए, तो इंद्र वहीं बैठे बैठे सब देख लिए। आजकल साइंटिस्ट लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप, क्या कॉनोस्कोप है जो दिखाई पड़ता है दूर से, टेलीस्कोप। देवताओं के पास इससे भी बड़ा टेलीस्कोप है, भगवान के पास कितना बड़ा टेलीस्कोप है आप लोग समझ सकते हो। तो इंद्र वहीं से देख लिए कि अरे हमारा पूजा नहीं कर रहा है, ये तो अपने बेटे कहने पर वो गिरिराज का पूजा करा रहा है। तो देवता लोग आ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी आ गए रासलीला में, ब्रह्मा जी आ गए रासलीला में तो देख रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनको आश्चर्य हुआ कि परब्रह्म है, ये भगवान है, और ये तो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, ये क्या कर रहे हैं, तो राज कर रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं। तो भगवान कहे कि वाह बेटा वाह, जो उपदेश मैं दिया कि मैं धर्म का स्थापना करने आया हूं, अब तू मुझे उपदेश दे रहा है कि भगवान अधर्म का काम कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के डाउट को दूर करने के लिए, जैसे मथुरा आराम कर रहा है, इसे डाउट दूर नहीं होगा, डाउट दूर होगा सुनने से। तो भगवान उन गोपियों को आलिंगन किए, जब आलिंगन किए तो भगवान के स्पर्श से ही वो जो गोपियां थी उन लोगों को, उन लोगों का देह नहीं ब्रह्मा जी देखे, साड़ी पहनकर गोपियां आई, लांगा पहनकर के आई है जो ब्रज में होता है, वैसा नहीं देखे ब्रह्मा जी, देखे कि गोपियां पीतांबर धारण किए हैं, देव तुल्य हैं, जीव का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जीव का भगवान से मिलन है, ये रास जो है जीव का भगवान से प्रगाढ़ संबंध का बंधन है। ब्रह्मा जी देखे, भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा को मैं इतना ज्ञान दिया, सब ज्ञान दे दिया, फिर भी भटक जाता है बार बार, तो भगवान उनको इसीलिए आया हुआ है यहां पर, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, भगवान बाहु प्रसार कर करके और गोपियों का आलिंगन किए ब्रह्मा जी के इसको दूर करने के लिए। ठीक है, ब्रह्मा जी दर्शन किए, उसके बाद अब नारद जी आ गए दर्शन करने के लिए। तो नारद जी आए तो गोपियां कहती गेट आउट, वहां भी बाउंड्री था, कुछ गोपियां थी जिनका सेवा था कि बाहर के लोग ना आ जाएं। तो नारद जी को गेट आउट कर दी, कहा क्यों, कहा यहां वही आ सकता है जो गोपी हो, जो गोपी हो, तो तुम तो गोपी हो नहीं, तुम कैसे आ सकते हो, तुम तो पुरुष हो। अब बेचारे नारद जी चाहते थे रास का दर्शन करना, धिक्कारने लगे, कहे कि ब्रह्मा का पुत्र मैं क्यों बन गया, अरे बल्कि ब्रज में गोपी बना होता तो आज रास में प्रवेश करता, लेकिन ब्रह्मा का पुत्र बना मैं जा नहीं सकता हूं। अब बेचारे लगे रोने, राधे 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 पुकारने लगे, राधा रानी को पुकारने लगे, तो राधा रानी आई, क्योंकि सब जानते हैं ब्रज में दयालु एक ही है, वो है राधा रानी, कृष्ण का भी कुछ नहीं चलता है, ठकुरानी है राधा रानी ब्रज की, उनका ही सब चलता है, यदि कृष्ण का चलता तो लक्ष्मी को भी अलाउ कर दिए होते, राधा रानी चलता कहते लक्ष्मी को उधर ही रहो, तुम इधर नहीं आ सकते, क्योंकि शरणागत नहीं लक्ष्मी जी। नारद जी राधा रानी का शरण ग्रहण कर लिए, तब राधा रानी ने कहा ठीक है, जब तुम बेटा तुम क्यों रो रहा है, क्या तकलीफ है तुमको, क्या चाहिए। तब नारद जी पूरा अपना दुखड़ा बताए कि मैं क्या चाहता हूं, तो कहा बड़ा बात नहीं है, जाओ तुम राधा कुंड में स्नान करके आ जाओ। राधा कुंड में स्नान करने गए तो गोपी बन गए साड़ी पहन करके, नारद जी अपने को धन्य मानने लगे कि ये साड़ी पहनना बल्कि अच्छा है बजाय कि वो बीणा लेकर के जाकर सब जगह बजाते रहना, कम से कम रास में तो प्रवेश कर जाऊंगा। उतना ही नहीं, श्रीमती राधा रानी पकड़ करके लाई
और भगवान से कही कि एक नई गोपी है, नारदीय गोपी है, नारदी है, ये नारदी गोपी है, और वे अवलोकन कर पाए। तो इस प्रकार से देवता लोग भी आए थे गोपियों के साथ में। जब रास हो रहा था, गोप्यस्ता प्रतिपदम सर्वम विषय श्रेयासमा प्रियम स्वधीनम सपदि प्रति स्वम सकृतार्ति गर्भ दधु। अब देखिए गोपियों के साथ में रास हो रहा था। भगवान की तीन माया है, एक कहलाता है स्वमोहिका, दूसरा कहलाता है स्वजनमोहिका, और तीसरा कहलाता है विमुख जनमोहिका। तीन माया है। जो पहला है स्वमोहिका, जो भगवान को भी मोहित कर देती है, जब भगवान कभी मिरर नहीं देखे थे, बड़े हो गए थे, विवाह हो गया था, 16,108 पत्नियां थी, न कंघी लगाए थे न मिरर देखे थे। एक दिन द्वारका में ऐसे टहल रहे थे, तो जैसे यहां पर सुंदर सुंदर पिलर है, कहा कैमरा इधर करो भाई दिखाओ, दुबई वाले देख लेंगे, ये पिलर है मंदिर में, 84 खंबे कम से कम है। तो वैसे ही वहां पर द्वारका में पिलर था, और उस पिलर में हीरे जवाहरात सब लगे हुए थे। तो भगवान अपना चेहरा देखे उस पिलर में, और देखकर भगवान मोहित हो गए, मैं इतना सुंदर हूं, भगवान मोहित हो गए। यह है स्वमोहिका। वैसे ही एक बार भगवान ब्रज लीला में, ये वर्णन है गोपाल चंपू में ही है, कि भगवान एक बार माखन चोरी कर रहे थे, तो उनका चेहरा दिखाई पड़ गया कांच में। तो भगवान कहते हैं भाई तो आ ही गए हो, तो ऐसा करते हैं हम लोग बांट लेते हैं, है? तुम बोलेगा नहीं ना, नहीं ना, तो अभी ऐसे कर रहा था, है? तो भगवान अपने ही चेहरा से मोहित हो गए थे, इतना सुंदर बालक कौन। और मैया से बोल कह रहे थे, मैया एक बालक आ गया था चोरी कर रहा था, मैं देख लिया, तो बालक चोरी कर, बहुत सुंदर बालक था। तो यह भगवान का स्वमोहिका। दूसरा जो माया है स्वजन मोहिका, जो तावकों को, जिनको भगवान अपना लेते हैं, उन लोगों को मोह लेते हैं, और ऐसे मोहते हैं उन लोगों को, ऐसे मोहते हैं कि कितना भी कठिनाई क्यों न हो, आशिष्य वा पाद्रताम नष्ट माम अदर्शनम मर महताम करो तुआ यथा तथा वा विद्धा तुलम बटो मत प्राण नस्तु स एव नापर। वो तैयार रहते हैं सब कुछ सहने के लिए। पांडवों को देखिए कितना सहन किए। इसीलिए माता कुंती कहती है श्रवंति गायंति गृणंत अभिक्षण स स्मरंति बंदंति तवे हितम जना स एव पश्यंति अचिरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम तवे हितम जना। जो भगवान के लोग हो जाते हैं, तो ये गोपियां जो हैं, भगवान इन लोगों को मोहित कर दिए थे, स्वजन मोहिका, अपने स्वजन मोहिका माया से इन लोगों को मोहित कर दिए थे। और तीसरा माया जो है विमुख जन मोहिका, जैसे हम लोग हैं, हम लोग थोड़ा ऊपर हैं, नहीं हम लोग वहीं पर हैं, डेली कथा सुनते हैं, फिर भी हम सुनते हैं हमें देह नहीं है आत्मा है, फिर भी फंसे रहते हैं इसी में। तो विमुख जन मोहिता में बहुत लोग हैं, जो सिगरेट पीता है वो भी, शराब पीता है वो भी, चार नियम जो तोड़ता है वो भी, और जो बार बार सुनने के बाद भी नहीं समझता है वो भी, ये सब विमुख जन मोहिता है।
बार बार सुनते हैं संसार में सुख नहीं है, संसार का कोई वस्तु सुख नहीं देता है, फिर भी वही चरवित चरवणा नाम तो विमुख जन मोहता है। और ये विमुख जन मोहिता लोग हैं वो दूसरों के आनंद में आनंद ढूंढते हैं, बाहर की वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं। तो जिसका आनंद दूसरे से होता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता है, हमेशा दुखी रहेगा। दूसरे वस्तु से, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे से, जो अपना है, कृष्ण अपने हैं, उनमें जो आनंद ढूंढता है वही आनंद होता है। तो इन गोपियों में जो स्वजन मोहिका माया के द्वारा मोहित थी, इन लोगों में अभिमान हो गया था, अभिमान हो गया था कृष्ण हमारे अंदर हैं, हमारे अधीन हैं, जैसा मैं नचाती हूं वैसा वह नाचते हैं। तो भगवान ने सोचा कि अब इन लोगों को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं है, ये लोग खुश हैं अपने में, यह समझ करके कि मैं उनके अधीन हो गया हूं, इसी में खुश हैं, अब आवश्यकता नहीं है इसलिए मुझको चलना चाहिए। वो लोग अपने में बड़ी खुश थी। तो चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि जहां पर सम्मान न होता वहां पर नहीं रहना चाहिए। तो भगवान सोचे कि गोपियों को हमारे प्रति कोई सम्मान नहीं रह गया, अब नहीं रहना चाहिए। और वही बात जी गोस्वामी यहां पर कहते हैं, गोप्य ता प्रतिपद सर्व विषय श्रेयान समाप्रियम। भगवान कृष्ण कैसे हैं यह बात यहां पर बताया गया है। अच्छा एक बात और है, भगवान जब देखे कि अब इन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, और इसके बजाय भगवान चाहते थे श्रीमती राधिका के वैशिष्ट का, राधा रानी के विशेषता को बतलाना जगत में कि वह राधा रानी को कितना प्यार करते हैं, इसीलिए जो आज का जो श्लोक है श्लोक संख्या 2 उसमें आया हुआ है, कहाँ है रमापति गत्यानुराग, हाँ रमापति प्रमदा रमापति, रमापति मतलब राधापति। तो श्रीमती राधिका को बहुत कृष्ण प्यार करते हैं, तो राधिका के वैशिष्ट को दिखाने के लिए, प्रणाम करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वहां से चले गए। अब जब गोपियां जब देखे कि प्राण प्रिय जो कृष्ण हैं वो हमारे अधीन हैं, प्रतिपद सर्व विषय श्रेयान समाप प्रियम, जो उनके सबसे श्रेयकर हैं, सबसे श्रेष्ठ वस्तु कृष्ण हैं, जो उनके प्रियतम हैं, उन गोपियों ने सोचा कि ये हमारे अधीन है। स्वधीनम स्वपदी प्रतिस्मम, जब उन लोगों ने सोचा कि कृष्ण हमारे अधीन हैं और उनको प्रत्येक गोपी को, क्योंकि सबके साथ में कृष्ण थे, एक गोपी के साथ में एक कृष्ण थे, तो प्रति अस्म सकृताम गति गर्भ, जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ में कृष्ण है, वो नहीं देख रहे कि उनके साथ में कृष्ण है दूसरे साथ में, तो हमारे साथ में है, तो गति गर्भ, तब उन्हें गर्व महसूस होने लगा है? गर्व दधु, गर्व को धारण कर ली। जब गर्व को धारण कर ली तब भगवान कहे कि अब हमें नहीं रहना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि गोपियों में गर्व कैसे हो सकता है, उनमें ऐसा अहंकार कैसे हो सकता है। जो दूध एक बार फट जाता है तो क्या दूध बन जा सकता है, वो दूध नहीं बन सकता है, फट गया तो पनीर बना सकते हैं इस्कान वाले, हम लोग भक्त लोग गांव में दूध फट गया तो फेंक देते हैं ना, उसको शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग फाड़ फाड़ करके पनीर बनाते हैं,
मैं एक याद है हमारे बम्बई में विनोद भालचंद का, उनके पिताजी कलकत्ता रहते थे, तो एक बार मैं गया था नॉर्मल पॉइंट कॉन्फ्रेंस था, तो मैं उनको संदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो धर्म के प्रचार करने वाले हो, आप लोग अधर्म का काम क्यों कराते हो। तो मैं कहा क्या बताइए, तो कहा आप लोग ये छेना बनाते हो, संदेश बनाते हो दूध को फाड़ कर करके, दूध का फटना अपशगुन माना जाता है और आप लोग दूध को फाड़ते हो तो अपशगुन करते हो, अधर्म करते हो आप लोग। तो मैं कहा आप तो कलकत्ता रहते, बंगाल में सब यही होता है, बंगाल में छेना का मिठाई बहुत बनता है। तो कहे उन लोगों को बताने की जरूरत है, आप अपने महाराज लोगों से पूछना, शास्त्र में ये वर्णन किया गया है दूध का फटना अपशगुन होता है, विभिन्न प्रकार के अपशगुन होते हैं, उसमें से दूध का फटना भी अपशगुन होता है। तो इन्हें कहां से कहां चला गया, तो दूध एक बार जब फट जाता है तो पुनः दूध नहीं बन सकता है। तो जो गोपियां कृष्ण का हो गई है, सर्वस्व त्याग करके आई है, उनमें अहंकार कैसे हो सकता है, वो तो कृष्णमय हो गई है। यह अभी भगवान का लीला है, भगवान ने लीला शक्ति के द्वारा उन गोपियों में अहंकार लाया, तब ये गोपियां सोचने लगी कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। दो चीज हुआ, एक तो अहंकार आया, दूसरा वो देख नहीं पा रही थी कि उसके साथ भी कृष्ण है, उसमें मेरे पास नहीं केवल, इस प्रकार से अहंकार आया। तो जी गोस्वामी कहते हैं, लोकश्च यदि बहुराजा राष्ट्रवसति जगंतिम भंग तदा तस्यांतरहिता हितेति किल स्वप्यन्ते दधे माधव। उदाहरण दिए जी गोस्वामी कि जिस देश में बहुत से राजा हो, उस देश में निवास करने वाले व्यक्ति को बार बार भंग तदा दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि राजा लोग प्राय लड़ाई करते रहेंगे तो प्रजा को कितनी परेशानी होगी। अभी कहाँ कहाँ हो रहा है लड़ाई, चल रहा है इधर ना, कौन कहाँ चल रहा है लड़ाई, अभी अफगानिस्तान और कहाँ चल रहा है, जो भी है वो जवन और अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, और वहां की प्रजा कैसे सुखी हो सकती है। तो जहां इतने गोपियां हैं, सब राजा हैं, सबको अभिमान है, तो लड़ाई चल रहा है ना, अभिमान से ही लड़ाई चल रहा है ना। तो जी गोस्वामी कहते हैं, लोकश्च यदि बहु राजा राष्ट्र बसति जगन्ति भंगम तदा, यदि किसी राज में बहुत राजा हो तो वहां के लोग जो हैं जगंती भंग तदा, उन लोगों का अंग भंग होना निश्चित है, बम उनके भी घर पर गिरने ही वाला है। तो क्या करना चाहिए, नीति कहते तस्य अंतरहिता हितेति किल, किल मतलब निश्चय ही। तो भगवान इसी को, बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि उस राज्य में निवास न करे जहां अनेक राजा होते हैं। तो भगवान ने भी हित इति भगवान ने सोचा कल्याण किसमें है, अंतरहिता। अब इनके देखिए अंतर ध्यान और अंतरहित में अंतर होता है। और श्लोक शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहला श्लोक, अंतरहिते भगवती षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण कहां गए, अंतरहित हो गए। अंतरहित का मतलब उनके हृदय में प्रवेश कर गए। अंतरध्यान मतलब बुम, जैसे वो दिखाते हैं ना, वो आए बुम लाइट चला गया, वैसा नहीं, अंतरहित अंदर चले गए। अब तक से ये जो अध्याय है, जो पीछे का जो अध्याय है 29,
वो संयोग का अध्याय है, और यह जो तीसवां अध्याय है वह वियोग का अध्याय है। तो वियोग को प्रज्वलित करने के लिए, वियोग को जलाने के लिए, वियोग को बढ़ाने के लिए, वियोग में जितना प्रेम होता है उतना संयोग में प्रेम नहीं होता है। संयोग में छूटने का भय बना रहता है, संयोग में विच्छेद का भय बना रहता है, लेकिन वियोग में मिलने का आनंद प्राप्त होता है। मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो भगवान हायर स्टेज पर ले जाना चाहते थे, इसीलिए विप्रलंब भाव को श्रेष्ठ भाव माना गया है। तो ये तीसवां अध्याय जो है वो वियोग का अध्याय है, वियोग का अध्याय है। तो जी गोस्वामी कहते हैं तस्यांतर हित हितेति किल सो अपि अंतर दधे माधव। इस प्रकार से भगवान जब देखे कि इन लोगों को तो बहुत अभिमान हो गया है, तो उन लोगों को जैसे वो व्यक्ति अपना हित चाहता है उस राज को उसे छोड़ देना चाहिए। मंदिर में भी बहुत मैनेजर लोग हों, झगड़ा हो रहा हो ना, तो उस मंदिर को छोड़ देना चाहिए। मैं यहां से कह रहा हूँ, नीचे नहीं कहूंगा, मैनेजमेंट में नहीं कहूंगा, क्लास के लिए कह रहा हूँ, लेकिन बात सही है। यहाँ कई एक मैनेजर वो झगड़ा कर रहे हैं अपने पोस्ट के लिए, तो मंदिर छोड़ देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जब बाग बाजार गौड़ीय मठ बनाए, वो भी मार्बल का बना हुआ था, सब झगड़ा कर रहे थे, रूम मेरे लिए, रूम मेरे लिए। उन्होंने कहा मैंने गलती कर दिया, मंदिर बना दिया, सेल दी मार्बल प्रिंट बुक। जी गोस्वामी वही बात कह रहे हैं, तस्या अंतरहिता हितेति हित इति, जो अपना कल्याण चाहता है उसको मंदिर छोड़ देना चाहिए, उसको वह राज छोड़ देना चाहिए। इसी नीति के अंदर किल मतलब निश्चय ही भगवान ने वहां से सोपि अंतर दधे माधव, इस प्रकार से निश्चय कर करके उन गर्भिली गोपियों को भगवान छोड़ करके वहां से अंतरहित हो गए। अब यहीं से सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं अंतरहिते, उन गोपियों को अब सेकेंड गियर में ले, गाड़ी पहले इंडिया में गियर वाला गाड़ी था ना, आजकल है भी गियर वाला गाड़ी, फर्स्ट गियर में सेकेंड गियर, अब सेकेंड गियर में ले, ये पांच गियर की गाड़ी है, फर्स्ट गियर खत्म हुआ, रास पंचाध्याय है, अब सेकेंड गियर में भगवान लाए। विरह भावना में लेकर कहते हैं अंतरहिते भगवती। कोई कह सकता है कि भगवान सबके साथ थे और एक सेकंड में अंतर्ध्यान हो जाए, अंदर चले जाए, इतना बड़ा शरीर है कैसे अंदर चले जाएंगे? तो सुखदेव को हम भगवती, वो भगवान हैं, वो कुछ भी करने में समर्थ हैं, कुछ भी वे कर सकते हैं। तो अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, भगवान तुरंत उन भगवती सहसा एव अंतरहिते तम अचक्षणात् अपश्यति ब्रजांगना नाम युत्पम करणीय इव अतप्यन। तो भगवान तुरंत वहां से अंतरहित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, उनके हृदय में चले गए और सब कुछ करने में भगवान समर्थ हैं। इस श्लोक में एक बात, ब्रजंगना नाम अतप्यम, ब्रजंगनाओं में विभिन्न प्रकार का ताप उत्पन्न, अतप्यम ताप से दग्ध होने लगी, और एक कहते हैं तम मतलब भगवान को अचक्षाणा, भगवान जब देखी नहीं तो ताप से तप्त होने लगी, दग्ध थी। उदाहरण दिया गया है करण्य इव जूथपम, जिस प्रकार से हाथी, जो हथिनिया होती है हाथी को न देखे तब वो लोग कमातुर, हथिनिया जो होती है हाथी को न देखे। मैं पढ़ रहा था
बताया गया कि वो अपने बच्चे को भी फेंक देते हैं, हाथी फेंक देती है, हाथी नहीं होती है, अपने बच्चे को फेंक देती है। जब हाथी दिखाई न पड़े, कामातुर हाथ हथनी हो और हाथी कहीं चला जाए तो पागल हो जाती है। मैड एलिफेंट, हाथी माता, हथनी माता। तो करणीय मतलब हाथियों का, हथनियों का समूह, वो लोग जैसे पागल हो जाते हैं वैसे ही। अब यहां पर अतप्यम, अतप्यम शब्द का इस चहुओर से सब प्रकार से ये तप्त थी। कैसे कैसे ये तप्त थी? अचक्षणा अपश्यति इति न देखी तब अतप्यम तपाधिकस्य किंचित अधिक ताप में तप्त हो गई। कैसे तपी थी? चक्षुष, आंख से अश्रु धारा बह रहा था, ताप के चलते वे रो रही थी, आंख से वे तप्त थी। श्रोतस्य श्रोतम श्रोताभूत, कान से भगवान का गुणानुवाद नहीं सुन रही थी, न भगवान की बांसुरी का बात सुन रही थी, न भगवान का कोई वार्ता सुन रही थी, तो उनका कान तप था, कान में दर्द था। प्राणस्य प्राणम, प्राणाधिपति प्राणेश्वर कृष्ण ही थे, तो उनका लाइफ एयर जो दिकारती थी कि मर जाना चाहे बजाय के जीवन धारण करने से। मनसो ये मनो विदुरी इत्यादि, और मन से भगवान दूर चले गए थे, वह मन भी डिस्टर्ब था। तो चारों तरफ से तप थी गोपियां, यहां पर इसे अतप्यम शब्द आया हुआ है। अतप्यम तप्त से तप थी, लेकिन अतप्यम मतलब विशेष रूप से चहुओर से तप थी। आंख जल रहा था, कृष्ण का दर्शन नहीं कर पा रही थी, कान से कृष्ण का वाणी नहीं सुन पा रही थी, कान तप्त था, उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था कृष्ण के विरह में, और मन भी तप्त था कृष्ण के विरह में। इस प्रकार से भगवान वहां से पहले बाहर प्रकट थे, और जैसा बाहर भगवान लीला करते थे उस लीला को समेट करके अंतर ही तो अंदर चले गए। लीला के साथ में भगवान प्रवेश कर गए, और इसीलिए ये गोपियां उसी भाव में थी, जो लीला हो रहा था उसी भाव में थी। अब इसी भाव का वर्णन श्लोक संख्या 2 में किया गया है, जहां पर गोपियां स्मरण कर रही हैं। प्रमदा मतलब प्रमत्त गोपियां, रमापते गति अनुराग स्मित विभ्रम इच्छित मनोरम अलाप विहार विभ्रमयी आक्षिप्त चित्ता तदात्मिका ता गोपिका कृष्णस्य ताता विचेष्टा जुगृहु। ये प्रमत्त गोपियां, ये विरहणी गोपियां जो तप्त थी कृष्ण के विरह में, कृष्ण के किन गुणों का वे लोग याद कर रही थी? भगवान की ललित गति को, भगवान के चाल का स्मरण कर रही थी, भगवान कैसे चलते थे। विरह वेदना में सब कुछ याद आता है, जब कोई वस्तु भूल जाता है, इम्पोर्टेंट बड़े चाबी क्यों ना हो, वो चाबी भूल जाता तो सब कुछ याद आता है, उसमें क्या क्या था, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मोबाइल फोन भूल गया तो कितना टेंशन हो जाता है रामचरण जी। अरे और नहीं तो आजकल तो फोन नंबर याद ही नहीं, सब फोन नंबर उसी में है, तो सब याद आने लगता है, याद आता है ना भूल जाने पर। तो वैसे ही ये गोपियां याद कर रही सभी चीज को, जिसका वर्णन यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गत्य अनुराग, भगवान के
उन ललित गति को, त्रिभंग ललित गति से भगवान चलते हैं, उनके चाल को। उसके बाद स्मितः, भगवान के मंद स्मित, मंद मुस्कान को, स्मित मंद स्मित विभ्रमेक्षिता, और भगवान के विलास सहित आलोकन को, तिरछी नजर से भगवान के मुखारविंद में ये पांच बाण निकलते हैं। पुष्प बाणाय धीमहि, भगवान के चितवन से बाण निकलते हैं, भगवान के मुस्कान से बाण निकलते हैं, भगवान के आंखों से जब भगवान टिणा करते हैं ना तो उससे बाण निकलते हैं, भगवान के कपोलों से बाण निकलते हैं और भगवान के मुस्कान से बाण निकलते हैं। ये पांच बाण हैं जो इन विरहणी गोपियों को या विरही भक्तों को बेधते रहते हैं। तो इन पांचों बाणों का यहाँ पर वर्णन किया गया है सहित अवलोकन। हृदयंगम वार्ता, भगवान का जो मनोरम अलाप, मनोरम अलाप, भगवान का जो अलाप था, उनका बात करने का जो तरीका था, ये कैसा है? मनोरम, जिसमें मन रमा करे, मन रमे। तो ये भगवत गीता का उपदेश मनोरम है, ये भागवतम जो है मनोरम है। भक्तों को चाहिए अपने मन को इसी में लगाना। जो तप्त है, जो संतप्त है, जो अतप्य है, जैसे गोपियां तप्त थी, दुखी थी कृष्ण के विरह में, तो उन लोगों ने अपने मन को कृष्ण में लगाया। हम लोग भी संसार में दुखी हैं, जो संसार में दुखी है उसको अपना मन कृष्ण के चिंतन में लगाना चाहिए, जैसे कि इन गोपियों ने लगाया। तो मनोरम अलाप विहार विभ्रमई, देखिए इसमें दो बार आया हुआ है विभ्रम, भगवान का विहार को, विहार विभ्रमई, और आया हुआ है एक विभ्रम इच्छित, भगवान के देखने को कहती है विभ्रम, भगवान का दृष्टि कैसा था उसके लिए विभ्रम शब्द कहा गया है। विभ्रम मतलब आकर्षक, उनका दृष्टि बड़ा आकर्षक था, और उनका विहार, उनका किरणा जो था वो अभी आकर्षक था। तो दृष्टि आकर्षक का मतलब किरणापूर्ण दृष्टि, और इसी विभ्रम का व्याख्या श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दो कथानक के द्वारा दिए हैं। विभ्रम, विभ्रम का मतलब किरणापूर्ण दृष्टि सामान्य रूप में, लेकिन एक विशेष भ्रमर का बात कर रहे हैं यहां पर। और प्रथम में वो भ्रमर का उपमा देते हैं कि भ्रमर क्या करता है, तो भगवान कह रहे हैं कुमुदिनी से कि तू अपना प्यासे भौरों को अपना मधु दोगी नहीं, मधु मांग रहे हैं, क्योंकि समस्त पुष्पों में मध होता है, मिठास होता है, समस्त पुष्पों में मिठास होता है, जितने जितने फूल हैं जिनमें फूल होता है, चाहे वो धान का फूल हो चाहे गेहूं का फूल हो, कोई भी फूल हो, मधुमक्खियां जाकर के उन फूल से मिठास को चूसती है। और कैसा सुंदर फैक्ट्री भगवान बना कर रखे हैं, क्या हम लोग कमल के फूल से मिठास निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी निकाल सकती है। अच्छा, ये अलग अलग गंध भी आता है। यदि केवड़े के फूल का जो गंध है उसका जो हनी होगा उसका गंध अलग ही होगा, जो कमल के फूल का है उसका अलग ही होगा,
जो मोगरा का है उसका अलग ही होगा, जो धान का है उसका अलग होगा, गेहूं का है अलग होगा। सभी जो फूल है, कदम का आजकल दिन है, कदम के फूल का भी भ्रमर तो लेते ही हैं। तो भगवान अपने को भ्रमर जैसा, विभ्रम, भगवान ये भ्रमर हैं और अपने चितवन के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं उन गोपियों को। तो एक गोपी को यहां पर कुमुदिनी कह रहे हैं, सुंदर मुख वाली सुंदरी कह रहे हैं, क्या तुम मुझे अपना मधु देगी, यानी अपना चुंबन मुझे देगी। तो एक गोपी कह रही है, जैसे कृष्ण पूछे वैसे ही उत्तर दे रही है कि कुमुदिनी के पति तो सूर्य हैं, कमल सूर्य से खिलता है, तो कुमुदिनी के पति तो, कमल के पति तो सूर्य हैं। तो ये जो है, जो कुछ भी है, मैं जार पति को कैसे दे सकती हूं। तो भगवान हंसे, कहे बकवास तुम बंद करो, तुम्हारे पति भले ही कृष्ण हो लेकिन भ्रमर आकर के तुमको चूस कर चला जाता है। तो अपने जार पति को, जो भौंरा है, तुम उसको अपना रस देती हो। बात सही है। तो बेचारी गोपी हार गई और बाद में भगवान को अपना अधरामृत दे दिया, यानी किसिंग किया भगवान कृष्ण को, भगवान चाहते थे। तो यहां पर विभ्रम इच्छित ही से बताया गया, विभ्रम मतलब यहां क्रीड़ा के लिए बनाया गया है। और बिहार विभ्रमई, एक तो उनका दृष्टि जो है वह क्रीड़ापूर्ण है, और उनका बिहार जो खेल है, चाहे रास डांस हो, चाहे माखन चोरी हो, कुछ भी हो, वह भी विभ्रमई है। यहां विभ्रमई का मतलब होता है परम आकर्षण, भ्रमित करने वाला है। इसलिए माता कुंती अपने प्रार्थना में कहती है, क्या है कि मन को भ्रमित करता है आपका जो लीला है। अंतिम श्लोक चाहिए हमें, मन को चकरा देता है, है? कुंती के प्रार्थना में है ना कि भगवान आपकी जो लीलाएं हैं, देख लेना, विडम्बनम, विडम्बनम शब्द आया हुआ है, विडम्बनम मति विडम्बनम ऐसे कुछ आया है, याद करो। आप लोग ब्रह्मचारी हो, हम तो गृहस्थ आदमी है, बताओ, मति निडाम विडम्बनम ऐसे ही कुछ है। एनीवे, आठवें अध्याय में है, प्रथम स्कंद के, आप लोग पढ़ लेना। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वह विभ्रम, भ्रमित करने वाली है, बहुत ही आकर्षक है। और उसमें भगवान वो दूसरा आकर्षण को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बतलाते हैं कि एक सखी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे अबला, तुम्हें, तुम निवृक्ष के नीचे सम्मुख खड़ी हो, तुम देख नहीं पाई और तुम्हें सर्प दंश दिया है, हैं? लेकिन तुम भद्र बाला हो। स्त्रियों में लज्जा जो है वह आभूषण होता है, हैं? लज्जा स्त्री नाम भूषणम, लज्जा जो है वो स्त्रियों का आभूषण होता है। निर्लज नहीं स्त्रियों को होना चाहिए, पुरुष निर्लज हो चलता है, लेकिन स्त्रियों को निर्लज नहीं होना चाहिए, स्त्रियों में लज्जा होना चाहिए। लज्जा नारी नाम भूषणम, स्त्रियों का आभूषण है लज्जा। तो भगवान कहते हैं किंतु तुम भद्र बाला हो और तुम इस विष को उतारने के लिए किसी से नहीं कह रही हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा दयालु हूं, मैं बहुत बड़ा दयालु हूं। तो बिहार अभिभ्रमई इसका व्याख्या आया है, बिहार अभिभ्रमई।
भगवान का जो किरणा है, जो ये काम करने जा रहे हैं, बड़ा ही आकर्षक है। कितना भोला भाला भगवान बन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्वभाव से ही दयालु हूं। अपने दोनों के स्वभाव को, स्त्री का स्वभाव क्या है? लज्जा। और पुरुषों में स्वभाव क्या होना चाहिए? दया। ये भगवान का स्वभाव है दया। भगवान बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वैसे ही वैष्णवों का स्वभाव क्या होना चाहिए? दया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पड़ायो जानी रे। वैष्णव तो वही है जो दूसरे के दुख से दुखी रहता है, पर दुख दुखी, वही है वैष्णव। भगवान दुखी हैं ये देख करके कि संसार में सब लोग कैसे विमुख हैं। इन्हीं के दुख को देख करके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जीवों का दुख दूर करने के लिए। तो दया जो है, भगवान बड़े ही दयालु हैं। भुक्तारम जगत प्रसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम, भगवान बड़े दयालु हैं, सुहृद हैं। तो ये सुहृद कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव से दयालु होने कारण मैं यहां पर आ गया हूं, अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे अस्तनों का मालिश करूंगा। तुम्हारे शरीर का मालिश करते हुए मंत्र से इस विष को उतारूंगा। ये तो संक्षिप्त में यहां पर है। यह कथा विशद रूप से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा वर्णित किया गया है। एक छह कथाओं का एक पुस्तक है, चमत्कार चंद्रिका। तो जहां पर भगवान कृष्ण विष उतारने वाला बन करके गए हैं, राधा रानी का विष उतारने के लिए, वो कभी कथा बाद में कहेंगे। तो गोपी कहती है कि किंतु है सपेरे, मुझे तो सर्प नहीं डसा है, जाकर किसी और लड़की का शरीर मलो। ये सचमुच सर्प डस लिया। तो भगवान क्या तर्क देते हैं? कहते हैं कि हे बाला, मैं देख रहा हूं तुम्हारा स्वर कांप रहा है, यानी विष इतना चढ़ गया है। अब बेचारी देखो अबला है पहले तो, दूसरा बात लज्जा उसका आभूषण है, तो लज्जा में ऐसे भी जिसको लज्जा नहीं होता तो कर्कश भाव में बोलती है। स्त्रियों में देख लेना, जिनमें लज्जा होती है बड़ी सौम्य भाव से बोलती हैं, और जिनमें लज्जा नहीं होता है कर्कश भाव से बोलती हैं, आपसे भी डबल चिल्लाएंगी। तो लज्जा के चलते बड़ी सौम्य भाव से बोल रही थी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे स्वर कांप रहे हैं, तो मैं बतला सकता हूं कि विष इतना चढ़ गया है कि तुम्हारा शरीर तप्त हो गया है और तुम्हारा स्वर कांप रहा है। तो मानो वो कहती तो इससे आपको क्या लेने देना है, मरने दो, मैं मर जाऊंगा। तो भगवान कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा रहते हुए मैं डॉक्टर का काम है रोगी का रक्षा करना, भगवान होते हैं डॉक्टर लोग, वैद्य लोग भगवान होते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि मैं तुम्हारा रक्षा न करूं तो एक निर्दोष स्त्री के वध का मैं भागी बनूंगा। ऐसे ही हनुमान जी चतुराई किए थे ना, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ था तो वैद्य का नाम क्या था, कौन वैद्य? सुसेन वैद्य को लेकर के आए, तो कहा तो मैं तो रावण का वैद्य हूं, शत्रु पक्ष है। हनुमान जी ने कहा रे वैद्य का शत्रु और मित्र थोड़े कोई होता है, वैद्य का तो नाता है रोगी और वैद्य से है ना, तो रोगी कोई हो सकता है। तो ये रोगी है, आप इसको दवा करो। अब उनके नियम के अनुसार करना ही पड़ा। तो भगवान वही बात बतला रहे हैं कि भाई मैं वैद्य हूं, मैं सांप का विष उतारने वाला हूं, और देखूं कि मेरे सामने कोई तड़प रहा है विष में और विष न उतारूं और उसका हमारे रहते हो उसका यदि वध हो जाए, वो मर जाए, तो रक्षा ना करूं तो मुझ पर ये लगेगा। तो भगवान जबरदस्ती यहां पर किए हैं, जबरदस्ती उस गोपी
के वक्षस्थल का अपने नाखूनों से दवा किए। तो यहां पर बिहार अभिभ्रमई से ये दो जो उदाहरण दिए गए हैं, ये विभ्रम इच्छितई और बिहार अभिभ्रमई, ये दोनों के यदे उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दिए हैं। तो इस प्रकार से ये गोपियां जो थी भगवान की क्या क्या याद कर रही थी, जब तप्त अवस्था में थी गोपियां तो क्या याद कर रही थी, भगवान की ललित गति, अनुराग, मंद स्मित, विलास सहित अवलोकन, हृदयंगम करने वाले सुंदर वार्ता, श्याम सुंदर के वन विहार और रसमय विलासों से आकृष्ट चित गोपी वृंद भगवान दशा को प्राप्त हो गई थी, उसी दशा को प्राप्त हो गई थी, टोटली ऑब्जर्व हो गई थी कि भगवान श्याम सुंदर के जो लीलाएं थी, ता विचेष्टा, वे लोग उसमें रम गई थी समस्त लीलाओं में, पुतना बद से लेकर के और यहां तक जितने, ताता का मतलब जितना भगवान लीला किए थे। भक्त लोग वैसे ही गाते हैं जसोदा मैया के विषय में, जब एकदा गृहदासिसु यशोदा आनंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथना स्वयं दधि है, उसके बाद क्या है, तान स्मरण गायत, अपने पुत्र की जो जो लीलाएं थी, जो जो शब्द आया हुआ है यहां पर, ता जो जो लीलाएं थी उनको याद करते हैं, जुग्रहु तदात्मिका, उसमें लीन हो गई थी और लीन हो करके जुग्रहु वे लोग अनुसरण करने लगे, ताता विचेष्टा जुग्रहु, उसमें लीन होकर के वे लोग वैसा ही अनुसरण करने लगे। तो कैसे किन लीलाओं का कब स्मरण कर रही हैं, इसको हम लोग आगे आप लोग सुनेंगे, जितने दुबई वाले हैं आप लोग नेक्स्ट वर्ष जो है उसमें बताया जाएगा। तो इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी संसार में तप्त अवस्था में हो, विरह वेदना में हो, विरह वेदना दूर करने का तरीका है कृष्ण विचेष्टित, ताता विचेष्टित, जुग्रह भगवान के उन लीलाओं का उनमें रम जाना, विचेष ना रम जाना, चेष्टा के साथ में विचेष्टित, विशेष चेष्टा, तन मन सब कुछ उसमें लगा करके उसका चिंतन करना चाहिए और तब इस प्रकार के दुखों से हम लोगों का छुटकारा हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। श्री वल्लभ प्रभु बताओ कोई प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैं सभी भक्तों को राइट्स दे रहा हूँ अब अनम्यूट करने के अपने आप को, प्लीज आगे बढ़िए और प्रश्न पूछिए अपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, देवकीनंदन प्रभु, कानपुर के बढ़िया मंदिर से आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा। श्री बल्लभ प्रभु ओपन, ये माया दूर करो, जूम का माया, अपना दर्शन दे दो। एक वेगन, एक वेगन। यस, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू यू। सो यस प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम आप सबको, बड़ा दंडवत। और कानपुर मंदिर का भी दर्शन हो रहा है, हमको बहुत इच्छा है कानपुर मंदिर आने के लिए, हम जरूर कानपुर मंदिर आके भी दर्शन करेंगे आपको। हरे कृष्णा, वाह, जय हो। आप ये क्लास के लिए, आपके पूरे जो मंदिर वासियों के लिए आज पूरा भागवतम क्लास के समय बदला दिया है, हाफ एन आवर ओनली। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कैन वी ऑल्सो हैव द मर्सी ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ द डेटीज? यस, ले जाओ। आफ्टर द क्वेश्चन आंसर्स मे बी वी विल वेट एंड वॉच। कुछ किसी को कुछ प्रश्नोत्तर है तो पूछ लेना अभी, फिर बाद में जब प्रश्नोत्तर हो जाता है तब कानपुर के दर्शन से। आज बहुत स्पेशल डे है, हीरा पंचमी है,
और यू नो आज के अवसर पर जरूर दर्शन कानपुर के जो मंदिर के डेटी से मिलेंगे, बहुत बढ़िया होगा। कुछ प्रश्नोत्तर है पहले ले लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने तीन वर्ड्स बताए थे, स्व विमुख जन मोहिता, मतलब बाहरी वस्तु में आनंद होता है। बताया एक स्व मोहिता बताया था और उसका भी समझ में आ गया, लेकिन स्वजन का आप फिर से एक बार थोड़ा बताओगे? स्वजन मोहिका, जैसे गोपियां, जैसे आप लोग दुबई वाले सब लोग हो, जितने भक्त लोग हैं, स्वजन, स्व मतलब इसका दो अर्थ है, सुजन इति स्वजन, सु मतलब अच्छे लोग, साधु महात्मा लोग, और स्वजन मतलब अपने लोग। तो भगवान जो साधु लोग हैं वो भगवान के ही हैं, सब भगवान के ही हैं, लेकिन शुद्ध आचरण वाले जो हैं उनके लिए स्वजन मोहिका मतलब भक्तों को मोहित करने वाले, गोपियों को मोहित किए थे भगवान। क्लियर? थैंक यू सो मच। या स्वमोहिका जो अपने आप मोहित हो जाते हैं, स्वजन मोहिका अपने भक्तों को मोहित करते हैं, और विमुख जन मोहिका जो भगवान से विमुख हैं उनको भी भगवान मोहित किए हैं अपने माया के द्वारा, दैवी है ऐसा गुण भाई। और कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जब नारद जी को भी गोपी बन के रासलीला में आना पड़ा तो ब्रह्मा जी भी गोपी बन गए थे? नहीं, ब्रह्मा जी रास में भाग नहीं लेना चाहते, वो आनंद ले रहे थे देख कर करके, लेकिन उनको डाउट हो गया, तो उनके डाउट को भगवान दूर किए। वो रास में भाग नहीं लेना चाहते थे इसलिए गोपी नहीं बने। नारद जी रास में भाग लेना चाहते थे इसलिए उन्हें गोपी बनना पड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी ये पूछना था मुझे कि जो भगवान ने रासलीला जो हम जीवात्माओं को दिखाई है, तो ये रासलीला क्या आध्यात्मिक जगत में हर समय होती रहती है कि भगवान ने सिर्फ यहीं पे भौतिक जगत में ही केवल ये इसका प्रदर्शन किया था? क्योंकि ये 6 महीने तक बताते हैं आध्यात्मिक लोक के 6 महीने तक चली थी, तो अगर 6 महीने आध्यात्मिक लोक से जोड़े जाए तो ये भौतिक जगत के लिए तो बहुत सारे साल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ यह जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं ये भौम वृंदावन का लीला है, यहाँ का लीला है, लेकिन स्पिरिचुअल ये तो लोग गाते हैं हम निकुंजोनी रतिकेलि सिद्धई यायालिभिर युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष अतिबल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जो रास डांस का निकुंज जोनी रतिकेलि सिद्धई, ये भगवान रास डांस करते हैं श्रीमती राधिका के साथ में गोपियों का, तो उनका जो अवलोकन करता है वैसे गुरु के चरणों में प्रणाम, तो नित्य लीला होता रहता है। श्री राधिका माधव जोर पारम माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य। ये दो श्लोक है, पांचवा और छठा, ये दोनों श्लोक इसे संबंधित है, और गोलोक धाम में नित्य होता रहता है, लेकिन ये जो वर्णन है यहाँ पर ये भौम वृंदावन का लीला है। और कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे एक दो संक्षेप में प्रश्न है महाराज, और एक विस्तार में है। पहला संक्षेप में प्रश्न ये है महाराज कि आपने बताया कि तीन प्रकार की माया शक्ति, तीन प्रकार की माया होती है भगवान की। एक है आपने उनका वर्णन किया था जो भगवान को मोहित करती हैं, जो भक्त जनों को लेती, जो भगवान के
उसमें सानिध्य में आ जाते हैं और एक भगवान से विमुख करती हैं। और फिर हम ये भी जानते हैं कि माया शक्ति के भी तीन स्वरूप होते हैं, तटस्था, अपरा और परा। इनमें और जो आपने शक्तियों माया का वर्णन किया, इन दोनों में क्या अंतर है? आपने कहा संक्षिप्त में, लेकिन बड़ा पूछ दिया, ये तो बहुत बड़ा सवाल कर दिया आपने। देखिए, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, तीन शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा शक्ति ये जो संसार माया, और तटस्था शक्ति जो है वह है जीव। अब ये जो यहाँ पर ये जो तीन प्रकार का माया बताया गया है, ये तीनों अंतरंगा शक्ति की माया का बात हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे विमुख जन मोहिका, ब्रह्मा जी एक सेकेंड लेके विमुख हो चुके थे, उन्हें डाउट हो गया था, वो भी माया ने तो मोहित किया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी महाजन है, उनको मोहित कर दिया था। तो भक्त लोग भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, एक तो यह बात है। और विमुख जन यानी जो बहिरंगा शक्ति है उसका यहाँ पर मोस्टली बात किया गया है, बहिरंगा शक्ति का। तो ये माया अलग प्रकार की माया है, ये तीनों माया जो है इससे परे है, अंतरंगा शक्ति के अंतर ही होगा, इनसे परे है। महाराज दूसरा प्रश्न है कि आपने अभी रास का जब अर्थ आप बता रहे थे महाराज कि जीव का भगवान से जो मिलन होता है उसका अर्थ रास आपने बताया था, परंतु हम ये भी जानते हैं कि जो अनंत गोपियां हैं वो भगवान के अंग हैं क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है, तो वो हर समय भगवान की निकट ही रहती, हर समय उनका संग ही रहता है क्योंकि वो अंग है भगवान का। तो इन दोनों अर्थों में हम लोग कैसे मन स्पष्ट कर सकते हैं इस कथा के रूप से? देखिए, गोपियां तीन प्रकार की थी, एक तो थो भगवान के साथ आई थी नित्य, कुछ लोग देवलोक से आए थे देवांगनाएं, और कुछ लोग ऋषि थे जो कि गोपी बने थे। अब इन सब लोगों की इच्छा थी कि भगवान उनके प्रियतम हो, भगवान उनके पति हो। तो इसके पहले आप कथा सुने होंगे, वो कात्यायनी व्रत का पालन कर रही थी जब भगवान चिरहरण किए थे, और चिरहरण के समय गोपियों का वस्त्र भगवान हरण कर लिए थे, और गोपियां भगवान से मिलन चाहती थी, और भगवान ने उनको वचन दिया था कि मिलन होगा शरद पूर्णिमा के दिन। तो भगवान अपना वचन निभाए मिलन करके, तो ये जो मिलन का लीला है यानी एकात्मता का लीला है, एक होने का लीला है। हम लोग निराकारवादी नहीं है कि सब कुछ एक ही है, हम लोग मायावादी नहीं है। भगवान कृष्ण अलग हैं और अन्य जितने भी जीव हैं वे अलग हैं, जो आत्माएं हैं वे अलग हैं। जीव मतलब जो अपने को देह मानता है, देह ग्रहण किया है, आत्मा जो देह ग्रहण किया है कि देह से अपने को परे समझता है, देह में बंधा नहीं हुआ है। तो इन सबके साथ भगवान का संबंध है, और यहाँ पर मिलन का मतलब ये नहीं कि मर्जिंग होना, जैसे एक पति पत्नी का मिलन होता है, तो वैसे ही भगवान अपने प्रियतम इन गोपियों से उनकी इच्छा को पूरा किए थे भगवान। बल्कि जब ये गोपियां नग्न थी, स्नान कर रही थी, भगवान जब वस्त्र ले लिए थे तो भगवान कहे कि तुम लोग बाहर आओ ऐसे ही, और अपने गुप्त अंगों को गोपियां अपने हाथों से रखी थी रक्षा कर करके, बंद कर करके। भगवान ने कहा हाथ भी उठाओ, हाथ उठा करके मांगो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कोई पत्नी केवल अपने पति के सामने ही नंगा हो सकती है, अन्य किसी के सामने नहीं। तो कृष्ण हमारे पति हैं और हम उनकी पत्नी हैं, कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं,
हम प्रकृति हैं, तो रास का मतलब प्रकृति और पुरुष का मिलन, तो यहाँ पर जीव और भगवान का मिलन, कृष्ण का और गोपियों से मिलन, तो भगवान वादा किए थे और अपने वादा को निभाए मिल करके। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रभु जी। एक आखिरी प्रश्न अगर आपकी आज्ञा हो प्रभु जी ले लेंगे, मेरे को पता है 10 बज चुके हैं इंडिया में, आप नहीं, अब हम लोगों को भूख लगा है, ब्रह्मचारी लोग आपको श्राप दे देंगे, बंद करो अभी। ठीक है प्रभु जी, बिल्कुल, तभी बोल रहा हूँ 10 बज चुके हैं आपको दर्शन तो करना है, दर्शन करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, टेक द कैमरा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। जो आप सब दामोदर देश वाले हैं, आप सबको बताना है कि हमारे देवकी नंदन प्रभु तो बहुत से मंदिरों के निर्माण के हेल्प किए हैं, मुंबई में बहुत साल रहे हैं, मुंबई में अभी भी जुड़े हैं, वृंदावन के भी हैं, और परंतु कानपुर के मंदिर का पूरा निर्माण प्रभु जी उनके भक्तों के साथ किए हैं, और ये सुने हैं कि ये इस स्थान के सबसे बड़ा बड़ा मंदिर है जिसका हॉल कैपेसिटी बहुत ब्रह्मांड है। ये सब हम सबको निमंत्रण बहुत बार दे चुके हैं प्रभु, हम सबको जाना है, जैसे देख रहे हैं पूरा संगमरमर का है। देवकीनंदन प्रभु, यू वांट टू से समथिंग और एनीबॉडी एल्स? जय माँ डेटिस। अरे दिखाओ भाई, भगवान को दिखाओ। हाँ, जय श्री श्री गौर निताई की जय। काल निताई गौर सुंदर और डीडी निताई। राधा माधव ललिता विशाखा, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय। दिस इज जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी की जय। जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, ये जो जगह है जानकी जी का जगह है, हम लोग बिठूर में है ये मंदिर जहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, और सीता मैया यहीं पर थी, और यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। ये बड़ा पुण्य तिथि है, भागवतम पांचवें स्कंद में आप पढ़ोगे ब्रह्मवर्त नाम आया हुआ है, तो यही ब्रह्मवर्त है जहाँ पर भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दिए थे, और इस प्लानेट पर पहला किंगडम यहीं पर था ब्रह्मवर्त में, जहाँ पर ध्रुव महाराज को उनके स्टेप मदर ने इंसल्ट किया था। मनु महाराज का तपस्या भूमि यह जगह है, तो आज भी हजारों साधु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को बहुत विशाल रूप से इसका प्रमोशन कर रहा है, तो यह जानकी जी का स्थली है, इसीलिए नाम रखा है जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान, दो बार जानकी जी का नाम आया। ठीक है, दो बार जानकी, जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू श्री वल्लभ प्रभु फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट। थैंक यू देवकी नंदन प्रभु, आज तो बहुत स्पेशल है, दक्षिणायन पुण्य काल भी है, और आज हीरा पंचमी भी है, और कानपुर और आप कानपुर और आप सब भक्तों के दर्शन मिल पाया और आपसे भागवत कथा सुन पाए। जब तक आप फार्म में थे आपके आपके लेक्चर चेयर से होता था, अभी आज व्यासासन से हो रहा है, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा, आज 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 मैं नेचुरल फॉर्म में बोल रहा था, जूम पर वर्चुअल जो होता है ना तो बड़ा आर्टिफिशियल लगता है, लेकिन आज मैं नेचुरल। थैंक यू वेरी मच। ये प्रसंग जो रासव पंचाध्याय का भी है, ये बहुत मुख्य है, और जाते जाते और गंभीर बात होगी, इसीलिए आप आपका आशीर्वाद और मांगेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। जस्ट लेट मी नो ए डे बिफोर। थैंक यू प्रभु।
Hare Krishna, Dandar Pranam. And on behalf of Prabhu, I want to invite every one of you, once lockdown is over, I think we should all visit Kanpur and see the wonderful darshans of Janaki, Janaki, Vallabh, Lakshman, Hanuman deities, Shri Shri Radha, Madhav, Lalita, Vishaka, and Shri Nithai Gaur Sundar Prabhu. There are many good places here. You can bring a trip here. Vyasdev birthplace is here. Vyasdev was born here, nearby. What is the name of the place? Kalpi, Kalpi. Kalpi. And how far is Ayodhya from your place, Prabhu? Ayodhya will be like 200 kilometers. Okay. We will try to definitely form a team and come over. Let things settle down. We will do that. You can go to Naimisharanya from here, nearby. Naimisharanya also. Oh, okay. Hare Krishna. And thank you very, very much. You want to go to Ajamil place where Ajamil was born. That is also here. Kanauj. What is the name, Prabhu? Kanauj. Near Kanpur. Kanauj. Kanauj. Kanya Kubja. Kanya Kubja. Is that how Kanpur got its name? No, Kanpur original name is Kanhapur. This is the place of Krishna. Kanhapur. But from here it is like what, 60 kilometer? 60 kilometer is Kanauj. The birthplace of Ajamil. Kanya Kubja. Thank you very much. Hare Prabhu, Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. ISKCON Kanpur ki jai. Devki Nandan Prabhu ki jai. Tai Gaur Premanande. Hari 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 Bol. Thank you very much, Devki Nandan. Hare Bol. Almost kitne log hain? 150 log hain. So, dear satsangis, today we had the great opportunity to hear from Devki Nandan Prabhu. Aaj ke avsar, aaj bhi bahut prasidh din hai. दक्षिणायन पुण्य काल शुरू हो रहा है और इसीलिए आज मेरे माँ परिपूर्ण राधा देवी दासी माता जी की भी 80 साल घिरा शुरुआत हो रही है। इसीलिए आज एक यज्ञ घर में हमारे लोकल पुरोहितों से एक यज्ञ हो रहा है। राधा पद पंकज प्रभु, यशोदानंदन प्रभु, परमेश्वर गौर प्रभु सब आ रहे हैं और एक नरसिंह यज्ञ होने वाला है। 9:30 से लेके 10:30 तक मैं अलग लिंक भेजूंगा, जिनको नरसिंह यज्ञ में शामिल होना है वैसे देखना है देख सकते हैं। मैं अलग लिंक भेजूंगा आपको। और फिर आज के प्रोग्राम 11 बजे से लेके जो शुक्रवार का प्रोग्राम होगा, हमारे ही घर से आरती भी होगा और कीर्तन भी होगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ओट यू अभिषेक प्रभु, ओट यू हमसे गोपुर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभिषेक प्रभु, तुलसी प्रभु भी ऑनलाइन है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर क्लोज कर सकते जी। शिवला प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब लोग यज्ञ को अटेंड करेंगे, थैंक यू वेरी मच। और हर ग्रेस परिपूर्ण राधा माता जी को बहुत बहुत बधाई और सभी दामोदर वासियों को भी बधाई। माता जी की कृपया हम लोग को प्राप्त हो रही है, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हम लोग सबको मालूम है कि हम लोग कल काहुल खेलने वाले हैं, क्विज खेलते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा ट्रायल रन कर लेते हैं आज। तो सब भक्त से निवेदन है कि आप लोग भी ज्वाइन करिए क्विज को। एक छोटा सा 5-6 क्वेश्चन है। तो अक्षय ब्रह्म प्रभु, कैन यू स्टार्ट? हरे कृष्णा प्रभु जी, शेयरिंग स्क्रीन शेयर राइट्स दे दीजिए। हंस गोकुल प्रभु, कैन यू गिव हिम लैपटॉप लिखा। तुलसी प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं देता हूं प्रभु जी यहां से राइट। प्रभु जी आप शेयर कर पाएंगे? हाँ। हरे कृष्णा, बोलिए। लिंक मैंने भेज दिया है ग्रुप पे, चैट पे।
भक्तों से निवेदन है आप ज्वाइन करिए और हम लोग ट्रायल कर सकते हैं कोर्स पे, अगर ये फिजिबल होगा तो हम लोग इसमें स्विच ओवर कर लेंगे। ग्यारह डिवोटीज आए हैं अभी। ये जो लिंक मिला है quiz.com का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑलरेडी उसमें उसके साइट पे पहुंच जाएंगे और आपको सिर्फ अपना नाम भरना है उसमें और स्टार्ट करना है। तेरह लोग आ गए हैं अभी। स्टार्ट करें अभी, तेरह लोग हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का क्विज स्टार्ट होने वाला है आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। आंसर बोलिए नहीं आप लोग, ऑप्शंस हैं आपके उसमें। तो प्रश्न है कि कलयुग की आयु कितनी है। एक मैं क्लू दे सकता हूं कि कलयुग को बीते 5,000 साल हो गए हैं। ओके टाइम द। तो सही उत्तर है 4,32,000 साल। कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित इनमें से कौन से भजन शील नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग भजन्स आर कंपोज्ड बाय नरोत्तम दास ठाकुर। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। पहला है मानस देह गेह, यदि गौर ना होई तो, राधा कृष्ण प्राण मोरा हरि हराय नमः। पंद्रह सेकंड है आप लोग के पास। मानस देह गेह, यदि गौर ना होई तो, राधा कृष्ण प्राण मोरा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो देखते हैं कि स्कोरबोर्ड पे आगे कौन चल रहा है। दो प्रश्न हो चुके हैं। तो पहले हैं तमन्ना माता जी, फिर अभिषेक प्रभु जी। तो हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोरा और हरि हराय नमः। मानस देह गेह ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, यदि गौर न हो तो ये भजन वासुदेव घोष ने। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आचार्य कितने महान है और कितने महान भजन हमने दिए हैं। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये प्रहलाद की माता का नाम क्या है? प्रहलाद की माता का नाम क्या है? तो ये आंसर को आपको टाइप करना है, एक वर्ड का ये इसका आंसर होगा। हमने कई ऑप्शंस दिए हैं स्पेलिंग के। एक हिंट दे सकता हूं मैं कि के से शुरू होता है के। तो सही अभिषेक प्रभु जी आगे आ गए हैं, फिर एस के वी और फिर तमन्ना जी। तो कयादु, कयादु सही उत्तर है। और अगले पे आते हैं, चौथे प्रश्न पे। आपको ये अरेंज करना है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये तीन रूप में साक्षात्कार होते हैं, इनमें से कौन से सत चित और आनंद, सत और चित और सत, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, सत चित आनंद, सत और चित और आनंद सत। तो इस प्रश्न में अभी काफी समय, इसको ध्यान से आप लोग कीजिएगा। ब्रह्म में किसका साक्षात्कार होता है,
परमात्मा में किस चीज का होता है और भगवान में? तो मैं क्लू दे देता हूँ, जैसे भगवान का जब साक्षात्कार होता है तो उसमें सत चित और आनंद तीनों होते हैं इस तरीके से। अभी 10 सेकंड हैं, कई लोगों ने उत्तर नहीं दिया है, आप गेस वर्क भी कर सकते हैं। ओके, टाइम्स अप। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन था, कई लोग नहीं उत्तर दिए। सबसे पहले अभिषेक प्रभु जी, फिर तमन्ना माता जी, एस के। हाँ, 5 लोगों ने सही उत्तर दिया कि ब्रह्म में हमें सत का, परमात्मा में सत और चित, और भगवान में तीनों होते हैं सत चित और आनंद। तो ए ऑप्शन सही था। आखिरी प्रश्न स्क्रीन पे आने वाला है और ये डिसाइडिंग होगा। जे अनिलो प्रेम धन, नरोत्तम दास ठाकुर किसके अलगाव विरह इस गीत की रचना करते हैं? In whose separation does Narottam Das Thakur compose this song? Jaya Nilo Prema Dhana Karuna Prachur Hena Prabhu Kotha Vela Acharya Thakur। तो किनके विरह में ये song compose किया गया? अभी थोड़ा सा tricky question था, तो सही उत्तर है श्रीनिवास आचार्य। 4 लोगों ने सही उत्तर दिया। यद्यपि ये गीत हम महान आचार्यों के तिरुभाव दिवस पर गाते हैं, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये भजन श्रीनिवास आचार्य के तिरुभाव वाले समय कंपोज किया था उनके विरह में। तो क्विज खत्म हो गया है, हम देखते हैं कि विनर्स कौन है। अभी आप लोग तो फिर जूम के लिंक पे आ सकते हैं, आपको विनर्स के अभिषेक प्रभु जी तो नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अक्षर वर्मा प्रभु जी, मैंने 432,000 लिखा था उसमें कलयुग की आयु, तो इनकरेक्ट कैसे हो गया? वो अच्छा, एक मिनट, वो तो ये तो हम सबको मालूम है, 432,000 तो कलयुग की आयु है ही, इसमें आप जूम स्क्रीन पे देखिए, आप में दिखा रहे हैं, आपने 432,000 इंटू हजार वर्ष पे आंसर दिया था। जूम स्क्रीन पे देखिए, नहीं नहीं, मैंने तो 432,000 देखा था, हजार तो देखा ही नहीं। आपने गलत दबा दिया है प्रभु जी, वही तो देखना था प्रभु जी। ले, आपने कलयुग की आगे पूछी, हमने 432,000 लिख दिया बस, और क्या है? लिखा नहीं, दबाना था। इंटू 1,000 साल भी था। 1,000 साल कहाँ, इसमें 1,000 साल होता ही नहीं है, 1,000 साल कहाँ। आपने दबा दिया है रसा सिंधु प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपने 432,000 इंटू 1,000 वाला बटन प्रेस कर दिया है। अच्छा, उसमें इस तरह के और ऑप्शन थे क्या इसमें? हाँ, आपने गलत प्रेस बटन किया। अच्छा, मैंने सोचा 432,000 बताइए, मैंने 432,000 बता दिया, 432,000 नहीं बताना नहीं था, उसमें दबाना था, आपने गलत दबा दिया है। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे थे उसमें, अटपटे क्वेश्चन थे ये। हाँ, तो ये तो ट्रायल है ना। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर सबको अच्छा लग रहा तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, एकदम सही है ये तो। बस खाली ये उसमें चल जाएगा, लैपटॉप में चल जाएगा प्रभु जी? हाँ, लैपटॉप पे भी चलेगा ये, बस ये है कि आप जब इसके स्क्रीन पे आ जाते हैं क्विज के स्क्रीन पे, तो उस पे रहिएगा, फिर जूम पे नहीं जाना है। सिर्फ उसका जो आपको होस्ट का जो वॉइस सुनाई पड़ेगा, सिर्फ उससे आपको उसको सुनना है, क्योंकि आप वापस जाएंगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा वापस आने के लिए क्विज में, तो आप पीछे रह सकते हैं। हरे कृष्णा, एक बार और ट्राई करेंगे। चलिए, अब हो गया, टाइम नहीं है हमारे पास, तो कल ही करेंगे जो भी होगा। तो हम लोग सभी भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम लोग प्रेयर्स करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमिता माता जी का प्रश्न है कि वो समझ नहीं पाए कैसे खेलना है, तो ये जो लिंक भेजा है चैट बॉक्स में उस पर क्लिक करना है, तो आप उसके क्विज के लिंक पे चले जाएंगे और आपको वहां पे अपना नाम फीड इन करना है और फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप उस क्विज में चले जाएंगे और आप स्टार्ट कर खेलना स्टार्ट कर सकते हैं वहां जैसे स्टार्ट होगा। तो बहुत कल से ये शुरू होगा ना, कल से ये नया वाला शुरू होगा। जी प्रभु जी, कल देखते हैं डिसाइड करेंगे। और आप लोग डायरेक्टली एक ही मोबाइल से खेल सकते हैं, आप लोग को दो मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम लोग काहूत में दो मोबाइल की जरूरत पड़ती थी, इसमें एक ही मोबाइल से हम लोग खेल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुलसी प्रभु जी आप होस्ट हैं? अच्छा मैं होस्ट हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग सेशन को कल तक के लिए स्थगित कर